राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रकूट में भरत भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि रानी कैकेयी को दिए वरदान के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के लिए वन में चले जाते हैं। भरत को जब इसकी जानकारी मिलती है तो वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वो इसका विरोध करते हैं, माता कैकेयी पर क्रोधित होते हैं। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। खींचते हुए भरत के सामने लाए, भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राज का संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो थी ही। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। महर्षि
गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई। सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वो मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वो पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई। इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वो हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। लक्ष्मण, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। जो आज्ञा। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी।
नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वो राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को ये सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा। पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, ये पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम
रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, मुनिवर चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूं, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। भ्राता, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का ये आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने खड़ाऊं को माथे से लगाया और कहा, भ्राता 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया, कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदी ग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार मंजू मैनी, बाबला कोचर, गीता वर्मा,
प्रवीण शर्मा, शारदा गुप्ता, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।